велика пісня Слава! नितिन गिल मनी सिटी प्रेजिडेंट गुरु ग्यानाथ आश्रम वाल्मीकि तीर्थ तो एक शेर कहना चाहवांगा कि गंदी राजनीतियों ने ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया, बेजुबान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। जे अज नीवी जात के लोग स्वर्ण जाति के लोग भी इन्हों कहवांगा क्योंकि इन्हों तो संविधान निकलिया, ठीक है जी। तो ये लोग जिन्हों की मैंटैलिटी नहीं ठीक हैगी, इन्हों नीवी जात के लोग समझ के इन्होंने वितकरे किए जाते हैं। इन्होंने कोरोना के दौर के बिना किसी गौरमेंट की फैसिलिटी तो, बिना किसी गौरमेंट की सुख सुविधावान तो, बिना मास्क तो, बिना ग्लव्स तो लोगों का कूड़ा चुकया, कई दिया पिठा गल गई, लेकिन घर के सैनीटाइजर पूरे होए, चौंकियों के सैनीटाइजर पूरे होए। लेकिन अज जी मैडम ने इन्होंने एक मंग पत्र दिता जिदे मैडम ने 214 इंपलॉय कर दिते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना हक मंग लिया, तो मैडम ज़्यादा पैसा खा गए होने कि इन्हों हक नहीं दे सके। जे अज इन्हों 7,000 पिछे लोगों दिया कूड़ा करकट लोगों के बाथरूम तक तुम साफ कराते आज जे आ कौम अपना हक लैन लिये कहती है कि डीसी रेट पर रखो, क्यों नहीं इन्हों रखा जाता? चलो नहीं भी रखना तो तुम इन्हों कट थोड़ी सकते जे सवेरे वो काम से जान तो सेंट्री इंस्पैक्टर कहता जी ता ठेका मुक गया। मैनू लगता कि मैडम ने लेबर ला नहीं पढ़े, कोई एग्रीमेंट होया होएगा लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी तुम चलिए तो लेबर ला होंगे ने। जे किसी लेबर को कढ़ना हो तो 2 महीने पहले उन्हें इंप्लीमेंटेशन करना पैंदा, जां उन्हें 2 महीने की सैलरी देनी पैंदी आ। ना तो सैलरी दो, ना तो इंप्लीमेंटेशन दो, तुसी कदे IAS ऑफिसर जे तुहानू लेबर ला नहीं पड़े। लेबर ला इस करके उन्होंने समझ आ रहे क्योंकि उन्होंने बुद्धि के उत्ते पैसा बह गया। तुहानू भी पता वा कारपोरेशन जे हर एक डिपार्टमेंट चो काम कराना होवे ते एक जने नू हर एक जने नू पैसे देने पैंदे आ, फिर काम हुंदे आ। एवें लेबर ला तुसी पढ़ो जां इन्हां नू हक दो, जे इन्हां दे हक ना मिले ते इन्नी देर उन्नी देर तक हक इत्थे धरना चाली रहेगा जिन तक इन्हां नू हक ना मिले। हक लैके उठांगे थो जी। अज आपां सवेर दे इत्थे बैठे जी 12 बजे दे, ते 12 बजे जो बहने आ ते सानू इत्थों दे इंचार्ज साहब कहिंदे तुसी इनसाइड ते बहि जाओ, तुसी नीवी जात दे लोग जे, इन्हां नाल ते अजे बाद चो गल करांगे, पहलो मैडम को हक लै लीए। जे आपां सैड ते बह गए तो मैडम फिर चोर रस्ते थानी किद्दां निकल गई? चोर रस्ते थानी मैडम बाहर चल जाती आ, इस करके जाती क्योंकि उर को जनता दे जवाब नहीं है कि कहेगी जनता अगे आण के कि मैं पैसे खा ले, तो फिर तद करके नहीं तुहानूं नौकरियां दे रही। चोर रस्ते थानी निकल गई, 1 बजे मैडम बाहर चले गई आ। तो मैनूं दसो कि IAS ऑफिसर जिहड़ी 1.5-2 लाख रुपया तनखा होवे उह किद्दां जा सकदी अपनी 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी पूरे किए बगैर? असी मंग करते इन्हों नौकरियां दित्तियां जान, इन्हों सम्मानपूर्वक नौकरियां तो रखा जाए। जे इस नौकरी तो रखने तो बाद भी इन्हों का कोई विटकरा होया तो समाज वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 5-5 साल, 6-6 साल, कोई 7-7 साल तो नौकरियां करते इन्हों हो गए जी।